चैनल। सो बेसिकली आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ लैंथेनाइट मेटल्स, यानी कि जो हमारी लैंथेनाइट की जो मेटल्स हैं उनको हम किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, उनको पैदा करने के तरीकों को आज हम जो हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारे पास फ्यूज जो हमारे पास क्लोराइड्स होंगे फ्यूज्ड आइस यहाँ होंगे मोल्टन पिघली हुई हालत में, तो जो लैंथेनाइड्स होंगे उनके जो क्लोराइड्स होंगे उनके अंदर से करंट पास किया जाएगा और इनको अलहदा कर लिया जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो एनहाइड्रस लैंथेनाइड होंगे, ठीक है, एनहाइड्रस लैंथेनाइड्स ऐसे लैंथेनाइड्स होंगे जिनके अंदर पानी नहीं होगा, इनको हम क्या कर देंगे, फ्यूज़ कर देंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ या कैल्शियम के क्लोराइड के साथ। आमतौर पर क्या कर देंगे, बाहर से हम क्या कर देंगे या फिर हीट कर देंगे और मोल्टन मैस जो है वो इलेक्ट्रोलाइज होगा, एक आयरन का पार्ट होगा हमारे पास, ठीक है, बर्तन लोहे का या कोई भी हमारे पास रिफ्रैक्टरी लाइन पार्ट जिनके जिसके अंदर से रिफ्रैक्ट हो सकेगा और वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ एनोड, जो हमारा रिफ्रैक्टरी पार्ट होगा ना, ठीक है, जो बर्तन होगा वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि जो हमारे पास कैथोड होगा वो ग्रेफाइट का यूज़ किया जाएगा। ग्रेफाइट का क्या होगा, कैथोड, ठीक है। तो जो हमारे पास मोल्टन मैस होगा वो पूल के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा, मोल्टन मेटल्स बॉटम होगा पॉट के वहाँ पे, और इसको ड्रा करके इन गोड्स के अंदर कास्ट करे। होता क्या है, चलें जी, ये लेट्स सपोज जी हमारे पास ये लैंथेनाइड का क्लोराइड था, ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास ट्राई पॉजिटिव बन जाएगा, 3 क्लोराइड के आयन बन जाएंगे। अब ये हमारा जाके अटैच होएगा, हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है, जबकि ये हमारा हो जाएगा एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर होगा क्या, इसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और क्लोराइड के 3/2 आयंस बन जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएंगे। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो हमारे पास लैंथेनाइड +3 है ये इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल के सिंपल हमारे पास लैंथेनाइड की मेटल हमें मिल जाएगी। तो इस तरह हम अगर फ्यूज क्लोराइड्स होंगे तो उसके नतीजे में हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करके लैंथेनाइड की मेटल्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमने जनरली बात की, अगर लैंथेनाइड के बजाय हमारे पास लैंथेनियम जो हमारे पास एक्टिव आ जाए या कोई और एलिमेंट आ जाए उसकी पूरी सीरीज के अंदर, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ये हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट जो जिसके ज़रिए हम पैदा कर सकते हैं, जो हमारा यानी कि टाइप है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं लैंथेनाइड मेटल की, वो उसके एनहाइड्रस क्लोराइड की रिडक्शन सोडियम के साथ। यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास लैंथेनियम का क्लोराइड था, उसकी हमने क्या की, रिडक्शन करवाई उसकी सोडियम के साथ। रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह का सीन होगा कि जो हमारे पास है लेट्स सपोज जी आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है ना वो लाइटर है, ठीक है, जबकि क्लोरीन है वो लार्जर साइज के अंदर है, सही है। तो जो हमारे पास है, अब हमने देखना रिडक्शन वगैरह का सीन हम देखेंगे कि किस तरह का सीन होता है। तो आमतौर पे सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारे पास 3 सोडियम है इसके साथ 3 क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, 3NaCl। अब ये हमारे पास बेसिकली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, ये हमारे पास सिंपली इस तरह का सीन करके इसके साथ मिलकर 3NaCl बना देंगे और साथ हमारे पास इसका आ जाएगा। तो जो हमारे पास लाइटर लैंथेनाइड्स होते हैं, जिस तरह हम लेट्स सपोज कहते हैं कि